क्या हाल चाल है आप सब के? ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियां सबको अपनी सामान में रखे, खैरियत से रखे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कजेला की रेसिपी, जो मैं हमेशा अपने घर में जिस तरीके से बनाती हूँ वही। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी और आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कजेला बनाना। मैं जो जो चीजें उसके लिए चाहिए वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। ये 2 किलो गाजरें, इनको धो के मैंने छील लिया है और जो मोटी थी उनको मैंने दरमियान से काट लिया, क्योंकि मैंने चॉपर में इनको ग्राइंड करना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इनको ग्राइंड करूंगी। और ये बाकी चीजें हैं, ये खोआ है 2 कप, बादाम है, ये कोकोनट है, पिस्ता है, और ये 1/2 कप घी है, और ये तकरीबन 1/2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा दूध है पलाई के साथ, और ये चीनी है 1 कप, इलायची पाउडर है खुशबू के लिए। ये वाला कप मैंने चीनी का लिया है, और यही तकरीबन 2.5 कप मैंने दूध लिया है मलाई के साथ। ये दूध जो है गाजरों को गलाने के लिए, बाकी चीजें साथ साथ जो जो इस्तेमाल होती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये मैंने गाजरें करके उसको चॉपर में डाल के इनका ऐसे कर लिया था ग्राइंड, जबरदस्त किस्म की हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हाथ से करते हैं। चॉपर की ये बड़ी सहूलत है, बहुत सारी सहूलतें हैं उनमें के भी। अब मैंने इनको रख के चूल्हा ऑन कर दिया, और ये वाला दूध जो मैंने बलाई के साथ रखा था उसको मैं इसके अंदर डालने लगी, उसमें ला ली। ये गाजरों को गलाने के लिए इस्तेमाल है। मलाई के साथ ये कि इसका अच्छा जायका और मजीद अच्छा हो जाएगा, और मलाई का अपना एक जायका आपको पता होता है, तो वो भी गाजरों में शामिल हो जाएगा तो ज्यादा मजेदार हो जाती है, और दूध में ये गल जाएंगी। अभी जब गल जाएंगी ये दूध खुश्क हो जाता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का प्रोसेस। अब ये गाजरें जो हैं वो गल चुकी हुई हैं, अब इस सारा दूध भी आप देख सकते हैं कि खुश्क, बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है। गाजरों का थोड़ा बहुत जो जूस है वो है। अब इसके अंदर ये मैं जो 1/2 कप घी लिया था वो डाल, ये घी डाल के अब इसके अंदर, अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी घी में, फिर मैं जब इसके अंदर चीनी वगैरह शामिल करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये डालने लगी हूँ चीनी डाल दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना है, गाजरें अगर ज्यादा खुश्क हो जाए फिर भी मजे की नहीं रहती हैं। जो ही चीनी का पानी खुश्क होएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा चीनी भी पानी छोड़ती है अपना। बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको, और जो ये चीनी का पानी खुश्क होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये चीनी का पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं कोई पानी नजर नहीं आ रहा। अब इसके अंदर ये जाएगा इलायची पाउडर, जो खोआ मैंने दिखाया था आपको पहले वो भी चला जाएगा, अब सारे का सारा इसके अंदर ये खोआ जाएगा। मैं खोआ जो है मिक्स ही कर देती हूँ बीच में, मुझे मिक्स ही अच्छा लगता है, चाहे तो कोई ऊपर से भी डाल लें। ऊपर से भी अच्छा लगता है गार्निश करने के लिए, लेकिन पक्का हुआ मुझे इसके अंदर ही गाजरों के अंदर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ।
यकीन करें हर चीज़ का जायका महसूस होता है इसके अंदर। इसको भूनते हुए बस ड्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इतना ही कि इसमें गाजर का जूस रहे, महसूस हो जब खाएं तो पता चले कि इसके अंदर जूसेस हैं। और चीज़ हमेशा वही मज़े की बनती है जिसके अंदर उसका जायका, नेचुरल जायका भी महसूस होता हो। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारे चैनल पर ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।